हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। आज हम बायोइनफॉर्मेटिक्स वीडियो नंबर 21 पे हैं। इसके बाद आपको दो वीडियो और मिलेगा, देन आफ्टर बायोइनफॉर्मेटिक्स जितना भी आज तक पूछा गया सब कवर हो जाएगा, हर एक पॉइंट हर एक चीज। अभी तक हम लोगों ने वैसे अब जो है 21, 22, 23 में बहुत सी बातें रिपीट होगी। याद रखिएगा, बहुत सी बातें क्या होगी, रिपीट होगी, क्योंकि इसमें अब आपका ऐसा कोई टर्म नहीं है जिस टर्म से आप रूबरू नहीं है या जिस टर्म को आप जानते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, चाहे पी वैल्यू हो, ई वैल्यू हो, पैम हो, ब्लॉसम हो, डेटाबेस हो, प्रोटीन कोडिंग, कोई भी टर्म अब आपके लिए यहाँ पे न्यू नहीं है। बस आपको कुछ चीज़ें याद करनी है या उस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपके ब्रेन में जाके बैठ जाए। ये जो ऊपर की लाइनें हैं ये रिपीट हो रही है। यहाँ पे लिखा है अ पी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, एक टर्म मैंने यूज किया था ई वैल्यू। ई वैल्यू क्या होती है, हिडन गलतियाँ, मतलब हिडन मिस्टेक। ई वैल्यू क्या थी, प्रॉब्लम, बाई चांस आने वाली वैल्यूज। बाई चांस मैच नहीं है बट वो हमें मैच दिखा रहा है। उसी तरह पी वैल्यू भी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, एंड ई वैल्यू इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट द गिवन स्कोर कुड अपियर एट द रेंडम डेटाबेस ऑफ द गिवन साइज। ई वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट द गिवन स्कोर वुड अपियर इन द रेंडम डाटा, रेंडम चांस, रेंडमाइज, रेंडम डेटाबेस ऑफ द गिवन साइज। अब पी वैल्यू एंड ई वैल्यू प्रोवाइड बाई सिक्वेंस सिमिलरिटी सर्च एल्गोरिदम इज अ पैरामीटर टू डिस्टिंग्विश द ट्रू रिलेशनशिप। जितना ज्यादा ई या पी वैल्यू होगा उतना ही वो नॉन रिलायबल डाटा होगा, उतना ही हमारा रेंडम नॉइज होगा, उतना ही वो अनबिलीवेबल होगा। तो हमारा क्या होगा, पी वैल्यू ई वैल्यू जितना कम होता है वो हमारा मैच, वो सिंगल सिक्वेंस सिमिलरिटीज उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सिक्वेंस आर ईदर होमोलॉगस और नॉट। होमोलॉगस इज अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट होमोलॉजी। याद रखिएगा कि सीक्वेंस हमारा होमोलॉजी हो सकता है, होमोलॉगस हो सकता है और नॉन होमोलॉगस हो सकता है। ये हमारा क्वालिटेटिव है, मतलब इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते होमोलॉजी को, इसलिए कभी भी परसेंट होमोलॉजी में हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। द प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन इन यूकैरियोटिक जीनोम इज स्पेशली प्रॉब्लमेटिक। क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीनोम जो है वो दो तरीके से बनी होती है, एक एग्जॉन से और दूसरा इंट्रॉन से। और एग्जॉन और इंट्रॉन का जो कॉम्प्लेक्स है यह फीनोटाइप को बदल देता है। क्योंकि मान लो कि एग्जॉन 1, एग्जॉन 2, एग्जॉन 3 मिलके एक फीनोटाइप बना रहा है, बट इनके बीच में कुछ इंट्रॉन्स भी होते हैं और ये इंट्रॉन्स इसके सीक्वेंस को भी बदल सकते हैं। मे बी एक बार प्रोटीन बन रहा है 1, 3 और 2 के कारण, तो इन दोनों केस में दे आर अ प्रोटीन कोडिंग, बट दे डिफरेंट कोड, डिफरेंट डिफरेंट कोड, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन क्यों कोड कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जॉन इंट्रॉन स्ट्रक्चर में कोई ना कोई रिलेशन हो रहा। तो ड्यू टू द एग्जॉन इंट्रॉन इंटरेक्शन हमारा प्रिडिक्शन करना प्रोटीन कोडिंग जीन इन यूकैरियोटिक जीनोम में प्रॉब्लमेटिक है। इवन द बेस्ट यूकैरियोटिक जीन प्रिडिक्शन एल्गोरिदम कैन मेक द सीरियस एरर दैट वाज सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सब्सिक्वेंट एनालिसिस। आपका बेस्ट से बेस्ट प्रिडिक्टिव प्रिडिक्शन एल्गोरिदम जो होती है वह भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। द फॉल्स पॉजिटिव रेट इज हाई, मेनी एग्जॉन्स आर फॉल्सली असाइंड। तो अगर आपका क्या कहते हैं उसे, हम यूकैरियोटिक जीन प्रिडिक्शन एल्गोरिदम हम रन कर रहे हैं और अगर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं प्रोटीन कोडिंग जीन का, तो फॉल्स पॉजिटिव रेट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोटीन यूकैरियोटिक जीनोम प्रिडिक्शन। प्रोकैरियोटिक जीनोम प्रिडिक्शन में ये कम होता है। इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री यूजिंग द मॉलिक्यूलर सीक्वेंस डाटा, सिंगल्टन साइट इन द एमएसए इज कंसिडर्ड टू बी अ अन
इन्फॉर्मेटिव वेरिएबल साइट याद रखना, जब फाइलोजेनेटिक ट्री हम यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीक्वेंस डेटा में, तो सिंगलटन साइट इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, उसको हम अन इन्फॉर्मेटिव वेरिएबल साइट मानते हैं। मतलब एक जगह अगर पूरे सीक्वेंस में चेंज हो रहा है तो उसे हम सिंगलटन कहते हैं। अगर एक जगह सिंगल चेंज है पूरे सीक्वेंस में तो उसे हम सिंगलटन कहते हैं, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मे बी कोई किसी कारण से, कोई भी वेरिएबल मतलब किसी रीजन से आ सकते हैं। क्योंकि एक साइट अगर अलग है तो उसे हम अनइन्फॉर्मेटिव मानते हैं। पाइम इज यूजली यूज फॉर द ग्लोबल अलाइनमेंट ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन, और ब्लॉसम जो होता है वो लोकल अलाइनमेंट ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन। अगर पैम की बात हो रही है तो पैम जो है, पैम क्या होता है, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, डाईहॉप एक्सेप्टेड पॉइंट म्यूटेशन, ये ग्लोबल अलाइनमेंट में क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन के लिए मैट्रिक्स मतलब प्रोटीन के लिए मैट्रिक्स बनाता है। वहीं पे ब्लॉसम जो होता है लोकल अलाइनमेंट और डिस्टेंटली रिलेटेड के लिए। पैम 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स मीन्स दैट अबाउट 250 म्यूटेशन पर 100 अमाइनो एसिड्स मे बी हैपेंड, वाइल पैम 10 ओनली 10 म्यूटेशन पर 100 अमाइनो एसिड आर अज्यूम्ड, सो दैट ओनली वेरी सिमिलर सीक्वेंस विल रीच यूजफुल अलाइनमेंट स्कोर्स। यहाँ पे समझने की बात है कि वो पैम के आगे जो नंबर लिखो तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपसे कोई बोले कि पैम 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स हम यूज करे हैं, मतलब 100 अमाइनो एसिड में 250 म्यूटेशन एक्सेप्टेड था, पॉइंट म्यूटेशन 250 पॉइंट म्यूटेशन 100 अमाइनो एसिड में हुआ है, एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर हम पैम 10 की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 म्यूटेशन ही एक्सेप्टेड है 100 अमाइनो एसिड में, पर 100 अमाइनो एसिड पर 10 म्यूटेशन एक्सेप्टेड है। मतलब क्या है कि वेरी सिमिलर सीक्वेंस विल रीच यूजफुल अलाइनमेंट स्कोर, बहुत ही ज्यादा अगर सिमिलर सीक्वेंस होगा वही यहाँ पे यूजफुल अलाइनमेंट में होगा। इसलिए हम पैम यूज कब करते हैं, जब क्लोजली रिलेटेड होता है। पैम कब यूज करें, जब क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जब सिमिलर सीक्वेंस होगा उसी में हमारा म्यूटेशन जो है सिमिलर सीक्वेंस है, तो वहां पे क्या होगा, म्यूटेशन कम एक्सेप्टेड होगा, कम एक्सेप्टेड होगा तो हमारा मैट्रिसेस अच्छा आएगा। पैम मैट्रिक्स आर डिराइव्ड बाय नोटिंग इवोल्यूशनरी चेंज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट आर मोर देन 80% सिमिलर। क्या हमारा पैम मैट्रिसेस आर डिराइव्ड बाय द नोटिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द प्रोटीन सीक्वेंस दैट आर मोर देन 80% सिमिलर। मोर देन 80% सिमिलर है या क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन है तो वहां से हम पैम मैट्रिसेस को डिराइव करते हैं। ब्लॉसम मैट्रिसेस विद अ हाई नंबर आर डिजाइन फॉर कंपेयरिंग क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस, वाइल दोज आर लो नंबर आर डिजाइन फॉर कंपेयरिंग द डिस्टेंट रिलेटेड सीक्वेंसेस। पैम 250 जो है वो हम क्या करते हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड के लिए, पैम 10 को हम क्लोजली रिलेटेड के लिए। लेकिन यहीं पे ब्लॉसम का जो हाई नंबर होता है वो क्लोजली रिलेटेड के लिए होता है, और जो लो नंबर वाला होता है वो डिस्टेंटली रिलेटेड होता है। इसके ऊपर अगर आप अभी तक आप नहीं देखो ना वीडियो, तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो, बट इस पे बहुत इस बात पे ना बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉसम 80 इज यूजफुल फॉर क्लोजली रिलेटेड, ब्लॉसम 45 डिस्टेंटली रिलेटेड, क्योंकि 45 80 में 45 कम है, 80 ज्यादा है, तो 80 यूज होगा क्लोजली के लिए और 45 होगा डिस्टेंटली के लिए। ग्लोबल अलाइनमेंट विच अटेम्प्ट टू अलाइन एवरी रेसिड्यूज इन एवरी सिक्वेंसेस एंड मोस्ट यूजफुल व्हेन द सिक्वेंस इज इन द क्वेरी सेट आर सिमिलर एंड रफली इक्वल साइज। जब आपका सिमिलर सीक्वेंस हो और इक्वल साइज का हो तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट करते हैं, एंड टू एंड सीक्वेंस अलाइनमेंट। इन द सीक्वेंसिंग एनालिसिस ट्विलाइट जोन रिफर्स टू द सिग्नल गेट्स ब्लर्ड इन द ट्विलाइट जोन ऑफ 20-35% सीक्वेंस आइडेंटिटी। जब आप सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हो तो 20-25 सीक्वेंस आइडेंटिटी होती है, तो वो 20-25 जो होती है वो हमारा ब्लर्ड होता है, वो सिग्नल गेट ब्लर्ड इन द ट्विलाइट
लाइट जोन ऑफ 20 to 35% सिक्वेंस आइडेंटिटी, सिक्वेंस अलाइनमेंट डाटा जब देखते हो, तो वहाँ पे जब मतलब वो सिग्नल, वो सिक्वेंस, वो स्ट्रेच जो कि ब्लर्ड हो और ब्लर्ड हो 20 to 35% सिक्वेंस, उसे हम ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। मोर देन अ मिलियन सिक्वेंस अलाइनमेंट वर एनालाइज्ड बिटवीन द प्रोटीन पेयर ऑफ नोन स्ट्रक्चर टू रीडिफाइन अ लाइन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पॉजिटिव फॉर लो लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज। इस लाइन को ध्यान से समझो, क्या लिखा है कि मोर देन अ मिलियन सिक्वेंस अलाइनमेंट वर एनालाइज्ड, ठीक है, बिटवीन प्रोटीन पेयर ऑफ नॉन स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन पेयर है नॉन स्ट्रक्चर, टू रीडिफाइन अ लाइन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू और फॉल्स पॉजिटिव फॉर लो लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज। अगर लो लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज हमारे पास आती है, लो लेवल ऑफ सिमिलैरिटीज आती है, तो हमारा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम रीडिफाइन करते हैं बहुत सारे सीक्वेंस को अलाइन करके और उसको एनालाइज करके। अगला इसमें देखो, ब्लॉक्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ब्लॉक्ड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट रिफर्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल अलाइनमेंट, रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल अलाइनमेंट बाय फर्स्ट अलाइनिंग कंजर्व्ड रीजन इनटू व्हाट वी कॉल द ब्लॉक्स एंड देन अलाइन द रीजन बिटवीन सक्सेसिव ब्लॉक्स टू फॉर्म अ फाइनल अलाइनमेंट। जो ब्लॉक ब्लॉसम वाला बात हो रहा है ना, उसमें हम क्या करते हैं उसको यहाँ पे लिखा गया, ये बार दो बार लिखा गया है, रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल अलाइनमेंट बाय अलाइनिंग द कंजर्व्ड रीजन। पहले हम क्या करते हैं, कंजर्व्ड रीजन को अलाइन करते हैं। कंजर्व्ड रीजन क्या है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये रीजन नहीं बदले हैं, जैसे हमारे प्रीमिटिव में थे वैसे ही अभी हैं। तो सबसे पहले हम कंजर्व्ड रीजन को अलाइन करते हैं, फिर उस कंजर्व्ड रीजन को हम ब्लॉक कहते हैं, और फिर उस ब्लॉक के मतलब उस ब्लॉक को अलाइन करते हुए चलते, देन अलाइनिंग द रीजंस बिटवीन द सक्सेसिव ब्लॉक्स। पहले हम क्या करते हैं, कंजर्व्ड रीजन को अलाइन करते हैं, और फिर उस कंजर्व्ड रीजन के अंदर हम ब्लॉक्स में उसको अलाइन करते हुए, मतलब जैसे ये कंजर्व्ड रीजंस हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक सक्सेसिव कंजर्व्ड रीजन को भी हम अलाइन करते हुए चलेंगे, और इस तरह से हमें फाइनल अलाइनमेंट मिलता है। These three extensions of a simple ORF scanning are generally applicable to all higher eukaryotic genome. Okay, इस लाइन में कुछ मिस्टेक है, आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। Additional strategy also possible when individual organism based on the special feature of their genome अगर हमें किसी भी चीज के लिए additional properties strategy पता करना है, मतलब हमें और स्पेशल फीचर पता करना है किसी के मतलब स्पेशल फीचर हमें किसी के जीनोम का पता है, तो हम उसके लिए एडिशनल स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। ये जितने अभी हम बायोइनफॉर्मेटिक्स में यूज कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपके पास मतलब रिसोर्स या डेटा होगा, उस हिसाब से आप अलग मतलब उतना ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो फॉर नोइंग द इंफॉर्मेशन। वर्टिब्रेट जीनोम कंटेन सीपीजी आइलैंड अपस्ट्रीम ऑफ मेनी जीन दीज बींग सिक्वेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 KB इन विच जीसी कंटेंट इज ग्रेटर देन एवरेज फॉर द जीनोम एज अ होल। सम 40 to 50% ऑफ द ह्यूमन जीनोम आर एसोसिएटेड विद अपस्ट्रीम सीपीजी आइलैंड। सीपीजी आइलैंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैंने डिस्कस करा था, अगर आपने वीडियोज नहीं देखे हैं तो पीवाईक्यू के वीडियोज में जाके देखिए, वहां पे मैंने जीपीजी के बारे में दिखाया था, सब मिथाइलेशन रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जीपीजी जो होती है वो हमारा अपस्ट्रीम में होती है और 1 KB की होती है। जीसी कंटेंट इन ग्रेटर देन एवरेज ऑफ द जीनोम एज अ होल, जीसी कंटेंट जो है अलग है, 40 to 50% ऑफ द ह्यूमन जीन्स आर एसोसिएटेड विद अपस्ट्रीम जीपीजी आइलैंड।
तो हमारा 40 से 50% ह्यूमन जीनोम जो है वो जीपीजी आइलैंड से एसोसिएट होता है। दीज सीक्वेंस आर डिस्टिंग्विश्ड एंड व्हेन वन इज लोकेटेड इन वर्टिब्रेट डीएनए, स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस कैन बी मेड दैट जीन बीइंग इन द रीजन इमीडिएटली द डाउन स्ट्रीम। दीज सीक्वेंस आर डिस्टिंक्टिव एंड व्हेन वन इज लोकेटेड इन वर्टिब्रेट डीएनए। वर्टिब्रेट डीएनए में है तो कैसे, क्योंकि ये हमारा क्या था, वर्टिब्रेट जीनोम में अप स्ट्रीम पे था, लेकिन बाद वाले में क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग अजम्पशन कैन बी मेड दैट अ जीन बिगेन्स इन द रीजन इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम। पहले ये डाउन स्ट्रीम में था, बट वर्टिब्रेट डीएनए में ये जो आपका जीपीजी है वो अप स्ट्रीम में है। होमोलॉजी मॉडलिंग नोन एज एन कंपेरेटिव मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू कंस्ट्रक्टिंग एन एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल ऑफ अ टारगेट प्रोटीन फ्रॉम इट्स एटॉमिक एसिड सीक्वेंस एंड एक्सपेरिमेंटली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द रिलेटेड होमोलॉगस प्रोटीन। तो आपका क्या है, होमोलॉजी मॉडलिंग क्या होता है, होमोलॉजी मॉडलिंग को हम कंपेरेटिव मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन कहते हैं। होमोलॉजी मॉडलिंग को क्या कहते हैं, कंपेरेटिव मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन कहते हैं, जिसका क्या मतलब होता है, रिफर्स टू कंस्ट्रक्टिंग एन एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल, रिफर्स टू कंस्ट्रक्टिंग एन एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल ऑफ द टारगेट प्रोटीन फ्रॉम इट्स एटॉमिक एसिड सीक्वेंसेस, एटॉमिक एसिड सीक्वेंसेस और एक्सपेरिमेंटल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब क्या है कि जैसे होमोलॉगस मॉडलिंग करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक तो यह कंपेरेटिव मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन है, दूसरा हम एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल पे डिपेंड है, और एटॉमिक रिजोल्यूशन मॉडल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एटॉमिक एसिड सीक्वेंस रखते हैं, देन आफ्टर वी विल गो विद द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के पास जाते हैं और उससे हम होमोलोगस प्रोटीन को कंपेयर करके होमोलॉजी मॉडलिंग करते हैं। सीक्वेंस गैप पेनाल्टी -2 होती है, गैप एक्सटेंशन पेनाल्टी 0.5 होती है और गैप पेनाल्टी 1 होती है। और गैप ओपनिंग पेनाल्टी -2 होती है, गैप एक्सटेंशन पेनाल्टी 0.1 होती है और सीक्वेंस जो होती है वो आपका +1 होती है और मिसमैच 0 होती है। तो ये गैप पेनाल्टीज हैं, कहीं कहीं ये अलग अलग होती है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कि क्वेश्चंस में क्या देखा दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद दो और वीडियो हैं, ये इस वीडियो से ज़्यादा आपको फायदा पुराने वाले वीडियोस करेगा, तो आप उसको जाके देखो क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थैंक यू।